वेलकम टू यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिफरेंशियल एंड कॉमन मोड ऑपरेशन को स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने ओपैम्प एज ए डिफरेंशिएटर को स्टडी करा था। चलिए फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। इसमें हमने डिफरेंशियल एंड कॉमन मोड ऑपरेशन के अंदर हमने ओपैम्प टर्मिनल लिया है जो कि ओपन लूप में कनेक्ट है, जिसका एक आउटपुट है और दो इनपुट हैं V1 और V2। इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो हमने वोल्टेज सप्लाई दिया है वो है आपका VID, ठीक है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि VO जो होता है आउटपुट वोल्टेज, इसका फॉर्मूला हमें पहले से हम देखते आए हैं, वो होता है हमारा ओपन लूप गेन मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज जो कि है VID। इसको हम लिख सकते हैं ओपन लूप गेन मल्टीप्लाइड बाय V2 माइनस V1, क्योंकि V2 पॉजिटिव पर कनेक्ट है इसलिए हमने उसे पहले लिख दिया है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो VID है ये हमारा डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज है। और यहीं से हमारा VIC आएगा जो कि है आपका कॉमन इनपुट वोल्टेज। अब VID और VIC की वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करेंगे? VIC क्योंकि कॉमन इनपुट वोल्टेज है तो ये दो वोल्टेज का सम डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है, ये आपका VIC है। अब यहाँ पर एक टर्मिनल पर हमने V वोल्ट लिया है, दूसरे पर भी V लिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि V1 हमारा माइनस V है और V2 हमारा प्लस V है, तो यहाँ से हमारा ये डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा 0 आ जाएगा। तो VIC कॉमन इनपुट वोल्टेज यहाँ से हमारा 0 आ रहा है। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज है यानी कि VID, ये हमारा V2 माइनस V1 है, तो V2 हमारे पास V है माइनस V1 हमारे पास नेगेटिव V है, तो यहाँ से हमारे पास ये 2 वोल्ट आ जाएगा। तो कॉमन इनपुट वोल्टेज इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 0 आ रहा है और डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारे पास 2 वोल्ट आ रहा है। हमें एक और फॉर्मूला मालूम है इसका डिफरेंशियल एंड कॉमन मोड ऑपरेशन, जैसा कि इसका नाम कह रहा है डिफरेंशियल एंड कॉमन मोड ऑपरेशन, तो हम इन्हीं दोनों को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हमें अगर आउटपुट वोल्टेज निकालना है तो आपको ये EDEE22 फॉर्मूला याद रखना होगा, AD इंटू VID प्लस AC इंटू VIC। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें AD आपका डिफरेंशियल गेन है और AC आपका कॉमन मोड गेन है। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, यहाँ पे ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। और ये वैल्यूज़ अगर आप पुट या तो गिवन होंगी एग्ज़ाम में या फिर पुट कर आप इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप रखेंगे तो VIC हमारे पास 0 हो गया है, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा और VID हमारे पास 2 वोल्ट आ ही गया है और ये AC हमारे पास 0 आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं VO हमारे पास आ रहा है AD इंटू 2 वोल्ट। एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और यहाँ पर ये जो हमने रिजल्ट फाइंड करा है उसे प्लेस करने के बाद हमारे पास ये आ रहा है, ये आपका आ ही रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम कॉमन मोड की बात करें तो कॉमन मोड हमारा लिख लेते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये आप रखेंगे ही साथ साथ कॉमन मोड है हमारा VIC। इफ V1 इज इक्वल टू प्लस V Uh,
यहाँ पे हमने इंटरचेंज लिया है तो इसे v1 को हमने माइनस वी ले लिया एंड v2 इज इक्वल टू प्लस वी. तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है हम उसे लिख सकते हैं VIC हमारे पास आ जाएगा, इनको जब हम वैल्यूज़ को रख देंगे तो 2V अपॉन 2 ये आ जाएगा हमारे पास V. और अगर हम VID को डिस्कस करेंगे तो वो है V1 माइनस V2, ये आता है हमारे पास 0. तो अकॉर्डिंग टू दिस हम ये कह सकते हैं कि ओपैम्प एम्पलीफाइज अपोजिट सिग्नल, ओपैम्प एम्पलीफाइज अपोजिट सिग्नल्स एंड रिजेक्ट्स द सेम सिग्नल और रिजेक्ट्स कॉमन मोड सिग्नल. ओपैम्प एम्पलीफाइज अपोजिट सिग्नल्स एंड रिजेक्ट्स कॉमन मोड सिग्नल. तो ये पूरा का पूरा आपका मतलब डेरिवेशन है डिफरेंशियल एंड कॉमन मोड ऑपरेशन का. नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अभी ओपैम्प एज ए कंपैरेटर. कंपैरेटर को हम ओपन लूप गेन में देखते हैं. चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा ओपैम्प एज कंपैरेटर, इसे मैं रफ कर देती हूँ. हमने अभी इस लेक्चर में काफ़ी सारे डेरिवेशन देखे हैं अब तक प्रीवियस लेक्चर और इसमें, जो कि आपके सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं. नेक्स्ट है हमारा कंपैरेटर. इसमें हम क्या करेंगे, दो वोल्टेजेस को आपस में कंपेयर करके देखेंगे. सपोज़ हमारे पास कोई ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसकी आउटपुट वोल्टेज वीओ है, एक वोल्टेज आपकी ये है, सपोज़ इसको आप प्लस वी रख लीजिए, नॉन इन्वर्टिंग ऊपर ले लिया इस बार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ऊपर लें या नीचे लें, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है और नेगेटिव वाला इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ठीक है. और यहाँ पे दो बायसिंग वोल्टेज हैं वी प्लस और वी माइनस, ठीक है. कंपैरेटर का मतलब होता है कि दो इनपुट वोल्टेजेस को हम आपस में कंपेयर करके देख रहे हैं. और कंपैरेटर में हम ओपैम्प को एज ए ओपन लूप एम्पलीफायर ही स्टडी करेंगे. मतलब एक ऐसी एप्लीकेशन है कंपैरेटर जो जिसमें हम ओपैम्प को ओपन लूप में ही यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इसी के अंदर हम ओपन लूप में डिस्कस करते हैं, ठीक है. तो इसमें हम यहाँ पर दो इनपुट वोल्टेज ले रहे हैं, टू इनपुट वोल्टेज एंड वन आउटपुट वोल्टेज, वन डिजिटल आउटपुट वोल्टेज हम ले रहे हैं. मतलब हम इसमें डिजिटल आउटपुट में हम दो ही लेवल देखेंगे, एक हाई लेवल और एक लो लेवल, ठीक है. तो यानी कि हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं दो इनपुट वोल्टेज और एक डिजिटल आउटपुट वोल्टेज. ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है और ये हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल है. अब इसमें सपोज दो आउटपुट वोल्टेज का मतलब है एक या तो हाई लेवल की स्टडी करेंगे या लो लेवल की स्टडी करेंगे, ठीक है. अच्छा, अगर इसके अंदर हम इसको इस पर्पस के कारण हम इसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में भी यूज़ करते हैं. सपोज़ यहाँ पे हमने दो वोल्टेज में, ये वोल्टेज स्टार्टिंग में अगर हम 2 वोल्ट लेते हैं और इसको 1 वोल्ट लेते हैं, मतलब पॉजिटिव वाले को 2 वोल्ट लिया है, नेगेटिव वाले को 1 वोल्ट लिया है, तब ओपैम्प का जो डिजिटल आउटपुट है वो हाई लेवल शो करेगा, यानी कि आउटपुट पर हमें हाई लेवल मिलेगा. ठीक इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 1 वोल्ट लेते हैं और यहाँ पे 2 वोल्ट लेते हैं, मतलब इंटरचेंज कर देते हैं, तब आउटपुट पर जो मिलेगा वो हमें लो लेवल मिलेगा, क्योंकि हमारा ज़्यादा वोल्टेज जो है वो नेगेटिव साइड की कनेक्ट है, इसलिए अब हमें लो वोल्टेज मिलेगा.
अच्छा, इस वाले ओपैम्प को हम दूसरा इस तरह से भी बनाते हैं कि इसमें हम एक रेफरेंस भी ले लेते हैं, लाइक इस तरह। ये हमारा आउटपुट हो गया, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ हमारे दो वोल्टेज सप्लाई हैं, वी पॉजिटिव एंड वी नेगेटिव। और हमारे ये दो इनपुट टर्मिनल्स हैं, ये हमारा इनपुट है और ये हमारा कोई रेफरेंस वोल्टेज है, मतलब इस वाले को हम इससे भी कंपेयर कर सकते हैं कि एक को हमने इनपुट वोल्टेज मान लिया और एक को हमें जो गिवन होगी रेफरेंस वोल्टेज हमने वो कह दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि जब हम हाई वोल्टेज दे रहे हैं पॉजिटिव साइड पर तो आउटपुट पर हाई स्टेज हमें जनरेट हो रही है, और जब नेगेटिव पर हम वोल्टेज दे रहे हैं हाई एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव, तो हमें आउटपुट पर जो चैनल जो वोल्टेज मिल रही है वो लो मिल रही है। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, दूसरा देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि व्हेन नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इज जब अब हम दो की बात कर रहे हैं, एक बार नॉन इन्वर्टिंग की और एक बार इन्वर्टिंग की। तो पहले हम नॉन इन्वर्टिंग को डिस्कस कर रहे हैं, तो नॉन इन्वर्टिंग में व्हेन नॉन इन्वर्टिंग इनपुट ग्रेटर देन इन्वर्टिंग इनपुट, तब हमारे पास जो आउटपुट अपीयर हो रहा है वो अपीयर हो रहा है प्लस वी सेट। कब? जब वी प्लस ग्रेटर देन है वी माइनस। ठीक है, जब नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को हम ग्रेटर ले रहे हैं इन्वर्टिंग इनपुट से, तो आउटपुट पर हमें वी सेट मिल रहा है, जिसमें जब वी प्लस हमारा ग्रेटर देन है वी माइनस से। अब नाउ रिवर्स दिस, लाइकवाइज व्हेन इन्वर्टिंग इनपुट इज ग्रेटर देन नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, वी गेट वीओ इक्वल टू माइनस वी सेट। जब हमारे पास वी नेगेटिव ग्रेटर है वी पॉजिटिव से। ठीक है, तो ये हम इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये वाला जो हमने एग्जांपल लिया था आपको समझाने के लिए, इसे हटा दो। जब हमारा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट ग्रेटर है इन्वर्टिंग इनपुट से, तब हमें आउटपुट पर प्लस वी सेट मिलेगा, मतलब सैचुरेटिंग वोल्टेज पॉजिटिव साइड मिलेगी। उस टाइम वी प्लस ग्रेटर होगा वी माइनस से। सेम अगर इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल हमारा ग्रेटर है नॉन इन्वर्टिंग से, तो आउटपुट पर हमें माइनस वी सैचुरेशन मिलेगा, जो कि जिसमें वी नेगेटिव ग्रेटर होगा वी पॉजिटिव से। अब नेक्स्ट है कंपैरेटर वर्सेस ओपैम्प की अगर हम बात करें, ये तो कंपैरेटर के बारे में हो गया। अभी हम अगर डिस्कस करें नेक्स्ट टॉपिक, कंपैरेटर वर्सेस ओपैम्प। तब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ओपैम्प आर डिज़ाइंड मतलब ओपैम्प को हम डिज़ाइन करते हैं ज़्यादातर फॉर लीनियर एप्लीकेशंस। ठीक है, अगर हम कंपैरेटर ओपैम्प का दोनों में डिफरेंस देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि ओपैम्प को डिज़ाइन किया जाता है फॉर लीनियर एप्लीकेशंस में, ज़्यादातर लीनियर एप्लीकेशंस में ओपैम्प का यूज़ किया जाता है। दूसरा है कंपैरेटर हैव लो प्रोपेगेशन डिले एंड
fast rise and fall time. कंपैरेटर को हम मोस्टली यूज़ करते हैं ओपैम्प आर डिज़ाइंड ओपैम्प को हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन फॉर लीनियर एप्लीकेशंस और कंपैरेटर को हम यूज़ करते हैं कंपैरेटर हैव लो प्रोपेगेशन डिले एंड फास्ट राइज एंड फॉल टाइम. ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है. अगर हम कंपैरेटर की बात करें तो ओपैम्प यूज एज ए कंपैरेटर एज ए कंपैरेटर when used as the open loop condition ये हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था. यहाँ पे आपको दोबारा से बता दिया है कि ओपैम्प को अगर हम कंपैरेटर की तरह यूज़ कर रहे हैं तो हम तभी यूज़ करेंगे जब हम इसे ओपन लूप कंडीशन में डिस्कस करेंगे. मतलब क्लोज लूप में ये वर्क नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ ओपन लूप में काम करता है. तो ये हमारा डेरिवेशन जो सिलेबस में थे हमने सारे कर लिए हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.